बात करते हैं डॉज कॉइन पे। सबको पता है डॉज कॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जिसे हम कहते हैं। यू नो लाइक वर्ल्ड के रिचेस्ट और स्मार्ट पर्सन जो है इलॉन मस्क, बार बार इसके बारे में ट्वीट करता है। सो कंफ्यूजन क्या है? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, यू नो लाइक लोग बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, बाय करते हैं सेल करते हैं, लाइक लोगों को ये नहीं पता कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है, यू नो लाइक इत्मीनान रखना चाहिए, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। जाते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊंगा। ऑलराइट, बिटकॉइन के चार्ट की तरफ अगर हम जाए, बिटकॉइन आज से 5 साल पहले $400 का था, आज से 3 महीने पहले 12,000 का था। अब एक बिटकॉइन का प्राइस $50,000 से ऊपर है। कितना? $50,000 से ऊपर। अब और मार्केट कैप क्या है? $949.79 बिलियन। ऑलराइट, जितना मार्केट कैप बढ़ता है उतना तुम्हारा बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाता है। सो अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों ने यहाँ पे किया है, लेट्स से अगर किसी के पास 1,000 कॉइन भी है तो मिलियनर है, और वो 1,000 कॉइन उसने एक कॉइन 400 का खरीदा है, वो चार एक कॉइन जो है 50,000 का है। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें, सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। हर क्रिप्टो करेंसी जो है अप एंड डाउन आती है, यू नो, अगर तुम चार्ट को देखो, सपोर्टिव चार्ट है, देखो देखो सपोर्टिव चार्ट, ये कारोबार का नियम यही है। हर एक लहर, कोई लहर जोरदार होती है, कोई लहर जो है, ये चार्ट जो है कैंडल वाइज नहीं है। अगर वो कैंडल वाला होता तो मैं तुम लोगों को, बट दिस इज फाइन, सही है। अब जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे जाते हैं, देखो अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। अब कोई कह रहा है कि क्या ये $1 पे जाएगा या नहीं। अब बात यह अटकी है, इथेरियम देखो, इथेरियम जैसा था, ये सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है, ये लॉन्ग टर्म, इसके लिए तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि बिटकॉइन में तुम $100 लगाओ, सॉरी डॉज कॉइन में तुम $100 लगाओ, एक डॉज कॉइन जो है ये प्राइस है इसका, मार्केट कैप क्या है? 6.91 बिलियन है। ऑलराइट, ये 24 आवर्स का वॉल्यूम है इसका। सो अब कहने का मतलब ये है, ये कैंडल चार्ट मैंने, देखो कैंडल्स जो है, कुछ कैंडल्स जो है, ये कैंडल्स मतलब ड्रॉप हो रहा है, बट इतना बुरा ड्रॉप नहीं हो रहा है, सपोर्टिव ड्रॉप है। देखो डब्ल्यू शेप बना है, राइट, तुम देख रहे हो, राइट, ये कैंडल्स तुम देख रहे हो, राइट, ड्रॉप हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो यहाँ ऊपर से, यहाँ 58 से यहाँ सीधा बुम 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 ड्रॉप, ये बुरा ड्रॉप हुआ है, ये बहुत ही बुरा ड्रॉप हुआ है, लेकिन देखो ऊपर भी जा रहा है, ये नहीं, यहाँ पे ऊपर गया है, कैंडल को देखो 54, यहां फिर से बुरा ड्रॉप हुआ है, अब यहां फिर से ऊपर जा रहा है, देखो। सो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम $100 में इसमें लगाते हो, डॉज कॉइन में, भूल जाओ, ऐसे कहो कि चलो यार ये $100 मुझे गुम हो गए, होल्ड करो, क्या पता अगले 5 साल में तुम्हारे पास 1,000 डॉज कॉइन है। ऑलराइट, तुम्हारे पास 1,000 डॉज कॉइन है, तुम्हें क्या पता, जैसे बिटकॉइन गया 5 साल में 50,000 तक, चलो मान लो अगर ये डॉज कॉइन 50,000 तक गया तो क्या होगा उस केस में? तुम मिलियनेयर बन जाओगे। लेकिन हर कारोबार में, हर कंपनी के लिए, यू नो लाइक हर एक घंटा तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसके लिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस। अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, आई नो उनमें पेशेंस नहीं है, बट अगर मेरी मानो तो इसमें $20 लगाओ और भूल जाओ,
जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, डॉज कॉइन को होल्ड करो। और ये ही फ्यूचर है। अब तो बहुत से डीलरशिप ने, बहुत से लोगों ने डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अगर बिटकॉइन को तुम देखो, लेट्स सी बिटकॉइन, बिटकॉइन आज से 2 महीने पहले मैंने तुम लोगों को कहा था लो ले लो 12,000 का था। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इसमें $10 लगाओ, $20 लगाओ, यू कैन डू इट। कैंडल्स देखो, यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, बहुत बुरा ड्रॉप हुआ है 49,000 का, लेकिन देखो सपोर्टिव चार्ट है। कैंडल्स को देखो, 48 पे गया है, फिर से ये देखो 49 पे गया है, फिर से ड्रॉप हुआ है, बट देखो 49, फिर से यहाँ पे 50 पे आ गया है। सो मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग डॉज कॉइन पे होल्ड कर रहे हैं, यू नो आई नो, पेशेंस रखो, जाएगा ऊपर इंशाल्लाह। हाँ, लोग आ रहे हैं इस तरफ क्योंकि पूरा डिजिटल करेंसी का जमाना है। इथेरियम भी अच्छा है, मैं अगर तुम इथेरियम भी कर सकते हो, बिटकॉइन में मेरा ये मानना है अगर तुमने करना है $10 लगाओ, $20 लगाओ, जस्ट गो फॉर इट, मत सोचो इस बारे में। अगर तुम्हारे पास $10 ऐसे ही बैठे हैं, जाके एटीएम से जाके बिटकॉइन खरीदो, ऑनलाइन कॉइन बेस से खरीदो, कॉइन डेस्क से खरीदो, वीबोल से खरीदो, बहुत से ऐसे ऑनलाइन ऐप्स है, ऐसे ऑनलाइन एक्सचेंज है जो जिससे तुम बिटकॉइन खरीद सकते हो। बट डॉज कॉइन भी, अगर मेरा मानना है 1,000 डॉज कॉइन होल्ड करो, चाहे वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जस्ट होल्ड इट। तुम्हारा क्या जाता है? ऐसा करो कि यार ये डॉज कॉइन चलो मैंने अपने बच्चों के लिए या नवासों के लिए, यू नो लाइक एक प्रॉपर्टी की तरह रखो, जैसे लोग जमीनें रखते हैं, राइट? तो यहाँ पे कुछ सेल हुआ है, देखो जब ये डाउन क्यों, जैसी जैसी स्टॉक गिरता है, यहाँ पे सेलिंग प्रोसेस होता है ना, लोग सेल करते हैं, यहाँ पे लोग सेलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, मार्केट कैप कम बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये जो कैंडल ड्रॉप तुम देख रहे हो ये गिर गया है। सो अभी सेम चीज यही है, अगर तुमने डे ट्रेड करना है, डे ट्रेड मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में सिखाया है कि तुम करोगे क्या, स्टॉक को तुम चूज करोगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे। जैसे ही लेट्स से, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, उल्टा चलते हैं, तुमने स्टॉक को यहाँ पे लिया, राइट, यहाँ पर 52 का, और अगर वो स्टॉक डे ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक लेते हैं, ऊपर इस पहाड़ पे सेल करते हैं, इस पहाड़ पे ऊपर, ऐसे ही उनको फायदा होता है। मतलब पेनीज में लेते हैं, एक का स्टॉक लेते हैं, लेट्स से $1 का स्टॉक लिया, जब 4 पे चला जाता है, बूम, सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें निकलना होता है। अगर वो नहीं निकलेंगे, कोई और निकल जाएगा और कश्ती में ये रह जाएंगे, और फिर तुम्हें पता है आधी कश्ती तो ऑलरेडी डूब चुकी होती है। तो डे ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्टॉक को फिर से सेल कर देते हैं, दे सेल आउट, वो होल्ड नहीं करते, उनको पता चल चुका है कि लोग निकल चुके हैं इस चीज से। सो डॉज कॉइन जो है कहीं नहीं जा रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, होल्ड करो, इंशाल्लाह चांद तक जाएंगे। गुड लक।